आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको वही स्टोन ब्रिज से अज्ञात मान के प्रतिरोध का प्रतिरोध माप कर दिखाएंगे और आपको प्रतिरोध मापना सिखाएंगे। यह है वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है, मापक यंत्र है, इसके माध्यम से अपन अज्ञात मान का जो प्रतिरोध होता है उसका अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। यह है वेट स्टोन ब्रिज। इस वेट स्टोन ब्रिज में कौन कौन से फंक्शन होते हैं पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेट स्टोन ब्रिज में चार तो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, PQRS, और ये बटन है ये रेशियो बटन, आपको किस रेशियो में उसका मान निकालना है। ये दो दो टर्मिनल हैं, ये कौन से टर्मिनल हैं, अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का। ये दो टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये है एक्सटर्नल जो बैटरी जोड़ते हैं अपन बाहर से उसके स्विच। ये अपना सप्लाई का स्विच है, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगी। ये अपना स्विच है X1, ये गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये एक सप्लाई का है, दूसरा गैल्वेनोमीटर का, दो हैं इसके अंदर पुश बटन स्विच X2 X1। ये प्रतिरोध है, ये P, ये Q, ये R और ये S। ये जो टोंगल स्विच है इसमें एक तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक संट लिखा हुआ है। डायरेक्ट पर तब ऑन होगा जब अपना एक्सटर्नल बैटरी कोई बाहर से जोड़ते हैं। अगर इसके अंदर जो फिटेड बैटरी है, इसके अंदर पहले से लगी हुई है बैटरी, तो इस स्विच को कौन सी साइड में करेंगे, संट की साइड में। अगर ये बैटरी काम नहीं कर रही है, डिस्चार्ज हो गई है, तो इसको अपन डायरेक्ट बैटरी से जोड़कर इस स्विच को डायरेक्ट की तरफ कर देंगे। और यहाँ अपन ये बैटरी है इसको यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी एक्सटर्नल बैटरी, डायरेक्ट हो जाएगी। अब इससे अपने को प्रतिरोध कैसे मापना है वो सीखना है आपको। प्रतिरोध, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसमें एक प्रतिरोध जोड़ेंगे अपन, ये जोड़ देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, इसका अपने को मान निकालना है कि कितने मान का रेजिस्टेंस है। इसको कहाँ जोड़ देंगे, इन दोनों टर्मिनलों के बीच में। अब आपको की फर्स्ट सप्लाई और गैल्वेनोमीटर, इनको पहले दबाएंगे सप्लाई की, दूसरी दबाएंगे गैल्वेनोमीटर की, तो जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग सुई है ये ब्लिंक करेगी, कौन सी साइड में करेगी, कोई सी भी साइड में कर सकती है, जिस साइड में लोड कम होगा उस साइड में क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। अब आपको किस रेशियो में इसका मान निकालना है, फिर इसको क्या करेंगे अपन, जीरो पर सेट करेंगे। जीरो का मतलब ये है कि संतुलित करेंगे रेजिस्टेंस का मान, संतुलित करेंगे, जैसे PQRS होता है ना, उनको संतुलित अवस्था में करने के बाद इसकी सुई कहाँ जाती है, जीरो गैल्वेनोमीटर की। अब अपन ये जो रेशियो है 0.001 इस पे करेंगे तो इससे अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मान आएगा उसको, 0.01 पर करेंगे तो उससे करना पड़ेगा, 0.1 से करेंगे तो उस। ये मान क्यों दिया गया कि कई कंडीशन में ये संतुलित नहीं हो पाता है, तो अलग अलग रेशियो पर सेट करके अपन इसको संतुलित कर सकते हैं। अपन देखते हैं सीधा डायरेक्ट एक पर मान करके, ये एक है तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मान वही रहेगा। अब प्रेस की नंबर 1 दबाएंगे और फिर की नंबर 2 दबाएंगे तो ये जीरो पर आ जाएगा, नहीं संट पे करेंगे ना, सही है डायरेक्टली पॉजिटिव बैटरी। अब क्या करेंगे, इसको एक पे करेंगे ताकि इसको मल्टीप्लाई का झंझट ना रहे, फिर स्विच नंबर 1 दबाएंगे फिर 2 दबाएंगे, किस साइड में बिलिंग कर रही है, राइट साइड, राइट साइड, इस तरफ प्रतिरोध का मान कम है। अब ये जो
हजार ओम का प्रतिरोध है, इसको अपने एक नंबर पे करके देखेंगे सुई हिलती है या नहीं, नहीं हिलती है तो इसको छेड़ने से कोई मतलब नहीं। दो नंबर को करेंगे, दो नंबर वाला भी नहीं काम कर रहा है, तीन नंबर ये कर गया काम। अब इसका मान जीरो से कुछ इधर आ गया, अब दो पर करेंगे तो ये वापस उधर जा रहा है, तो इसको करेंगे एक पर सेट। अब अपने को क्या करना है, अगर इसको एक पर करेंगे तो कुछ सुधार हुआ किसे गया, इसको करेंगे दो नंबर पर, अब ये जीरो पे आ गया ना। अब आपको मान क्या करना है, ये जो पी क्यू आर एस इसका मान देखना है। पहला प्रतिरोध है पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर और चौथा एस। तो पी पर रीडिंग कितनी आ रही है, दो, दो प्लस दो का मतलब ये है कि ये जो रीडिंग है ये एक से मल्टीप्लाई होगी, हाँ। दूसरी जो स्विच है इसकी रीडिंग 10 से होगी, तीसरा 100 से होगा और चौथा 1000 से, ये गुणक में है तो इसको गुणा भी करना आपको। 2 into 1 लिख सकते हैं, हाँ 2 into 1 प्लस 1 into 10 प्लस ये 0 आ गया, प्लस ये भी 0, तो इसका मान तो आ गया 2 प्लस कितना आ गया 10। अब जो रेशियो है इससे आपको क्या करना है, गुणा करना, ये आ गया ब्रैकेट। अब ये आ गया 12 into 1, तो कितना आ गया मान इसका 12। इसका रेजिस्टेंस का मान है 12। अब इसको अपन मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वाक्य में 12 ओम का आएगा। अब ये रेजिस्टेंस है, इसको मल्टीमीटर से कनेक्ट करके देखो, ओम पे सेट करो इसको, 12 ओम दिखा रहा है, अगर ओम पे कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे रेजिस्टेंस का मान दर्शाता है। हाथ हटाओ, हाथ मत लगाओ इस पे, ठीक है, 12 ओम का प्रतिरोध आ रहा ना। अब एक रेजिस्टेंस का मान तो आ रहा था 12 ओम, अब दूसरा रेजिस्टेंस चेंज करते हैं अपन और इसको लगाएंगे अपने वेट स्टोन ब्रिज में और इसका मान ज्ञात करेंगे कि कितना मान का ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपको रेशियो को कहाँ कर देना है, एक पे कर देना है। अगर एक से ये संतुलित नहीं होता है, रीडिंग जीरो नहीं आती है, तो आप रेशियो को चेंज कर सकते हो। अब अपने एक पे कर रहे हैं इसको और स्विच को ऑन करेंगे तो ये सुई इधर भी लिंक हो रही है। अब इसको अपने प्रेस करेंगे, इससे सुई आगे की तरफ बढ़ रही है, जीरो की तरफ बढ़ रही है, इससे बढ़ रही है। अब इसे देखेंगे तो ये ज़्यादा हो रही है, तो सर इसको कम कर दीजिए, इसको ज़्यादा कीजिए, हाँ इसको जीरो पे कर देते हैं, इससे ये जीरो पे आ गई जी, एक से ही आ गया ना मान, इसमें अपन इसमें 10 बढ़ाना पड़ता, हाँ इसमें अपन जीरो फिर एक कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा था, इसमें आ गई जीरो पे आ गई ना। अब मैं इसको वापस जीरो पे करूँगा इस दो नंबर रेजिस्टेंस को, तो ये आ गया इधर, ठीक है। इसको अपने एक स्टेप ऊपर करेंगे तो ये आ गया जीरो पे, सर इस जीरो पे आ गया, ठीक। अगर हम ये रेशियो को 0.1 पे कर दे, अब इसको एक पे कर दे तब पर भी आ जाएगा, नहीं आएगा क्यों सर, तो फिर बढ़ाओ इसको, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, यहाँ बढ़ा दिया आ जाएगा, सौ करना पड़ेगा तब आएगा 0.1, आगे बढ़ाओ आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो का मान ये कम हो गया ना, कम हो गया, रेशियो का मान कम हो गया। जिस रेशियो पे ये सुई हिलती है उसी पे सेट करना, ठीक है जी। अब इस पे एक पे सही आ रहा है मान, यो हाई ओलो, इस पे दो नंबर पे सही आ रहा है, जीरो पे भी आ रही है, रेजिस्टेंस का मान भी संतुलित हो गया और ये रीडिंग भी हो गई अपना मान, इसी से आएगा, हाँ इसी से आ रहा है। 10 ओम का मान ये पर तो इसका मान क्या आ गया, दूसरा कैलकुलेशन पी का मान भी जीरो है और क्यों का मान पी क्यू आर एस इसमें भी जीरो आ गया, प्लस क्यू का रीडिंग है 1 into 10 प्लस जीरो बराबर कितना आ गया 10।
अब रेशियो से गुणा करना आपको, रेशियो का मान है एक, तो कितना आ गया? दस ओम। अब मल्टीमीटर से देखो इस रेजिस्टेंस का मान, इस मल्टीमीटर से देखो 10.2, इसमें इससे देख लो 10.3 या फिर इससे भी देखो तो ज़्यादा एक और ये 10 आ रहा है, फिक्स मान है। तो इस प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।